नमस्कार दोस्तों, आज एक कमेंट आया है कि सर क्या लहसुन 1000 रुपये किलो तक बिकता है? जी हाँ दोस्तों, लहसुन की कई क्वालिटीज होती हैं और उन क्वालिटीज में एक लहसुन ऐसा भी होता है जो 500 से 1000 रुपये किलो तक भी बिकता है और खुदरा में बिक सकता है, थोक में भी ये 300 से 500 रुपये किलो तक बिकता है। आइए बात करते हैं वो कौन सा लहसुन है और कहाँ पैदा होता है। देखिए दोस्तों, लहसुन एक ऐसा आइटम है, ऐसी चीज है जो हर किचन में आपको मिलेगी। हाँ, 5-7%, 2%, 1% लोग हैं जो लहसुन का सेवन नहीं करते हैं, बाकी बहुत ज्यादा लोग आजकल लहसुन का सेवन करते हैं और लहसुन आजकल आयुर्वेदिक मेडिसिन का रूप हो गई है। इसलिए लहसुन की बिजनेस करना कोई बुरी बात नहीं है। जिन लोगों ने लहसुन का व्यापार किया है या लहसुन का होलसेल व्यापार करते हैं या रिटेल व्यापार करते हैं, वो अच्छा पैसा कमाते हैं। उनका कमाने का तरीका कुछ अलग हो सकता है आपसे, इसलिए वो अच्छा पैसा कमाते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि लहसुन थोक में लाते हैं और लहसुन थोक में ला करके एक ढेरी लगा लेते हैं और उस ढेरी में से एक पोथिया लहसुन बोलते हैं, जिसकी एक ही पोथी होती है, यानी उसकी एक गांठ होती है। लहसुन की जब गांठ होती है उसमें कलियां होती हैं, 20-30 कलियां का झुंड होता है, उसको लहसुन का गांठिया बोलते हैं। मगर उसमें भी कुछ लहसुन ऐसा होता है जिसकी एक ही गांठ होती है, यानी प्याज जैसे प्याज में अलग अलग छिलके होते हैं मगर उसमें छिलके वगैरह कुछ नहीं होते, वो एक गांठ होती है, उसको बोलते हैं इकपोथिया लहसुन। और यह लहसुन गांठिया रोग में जिसको बोलते हैं, उसमें की रामबाण दवाई है और आयुर्वेद के जो चिकित्सक जानकार हैं वो इसका सेवन दूध के साथ में करना बताते हैं। इसलिए जो लहसुन के अच्छे व्यापारी हैं वो लहसुन ला करके स्टॉक कर लेते हैं और वो सारे अलग अलग बैग्स में से उस लहसुन की गांठ को चुगवा लेते हैं, आदमियों से अपने लेबर रखते हैं और उस गांठ को चुगवा लेते हैं, और वो गांठ जो अलग से आती है जिसका एक पोथिया लहसुन कहते हैं, वो लहसुन 500 से 1000 रुपये किलो रिटेल में बिकता है और 300 रुपये किलो तक के भाव तो उसके थोक में भी आपको मिल जाएंगे। 300 से 500 रुपये किलो तक के भाव आपको थोक में भी मिल जाएंगे और यह आयुर्वेदिक दवाओं में बहुत काम आता है और लोग इसको बड़े शौक से खाते हैं। कुछ रोगों में इसका इलाज वास्तव में ही बहुत बढ़िया माना जाता है और पुराने लोग, जो लोग इस बात को समझते हैं, वो इसका सेवन भी करते हैं और फायदा भी उठाते हैं और रोग से ठीक भी होते हैं। इसलिए हो सकता है जिस आदमी ने कमेंट किया हो वो इस लहसुन की बात करता हो, ये 500 से 1000 रुपये किलो तक भी बिक सकता है। बाकी अमूमन लहसुन है वो 10-20 रुपये से शुरू होता है प्याज की तरह से और 100 रुपये, 125 रुपये, 150 रुपये किलो तक भी रिटेल में बिक जाता है कई बार। वैसे अमूमन इसके भाव 30 से 50 रुपये के बीच में रहते हैं, मगर कई बार जब ये मांग और डिमांड और प्रोडक्शन का मामला है, इसकी फसल जब आती है तो खूब ज़्यादा आती है, ऐसी स्थिति में ये सस्ता हो जाता है, और जब फसल निकल जाती है तो उस समय लोग स्टॉक करके इसको महंगे दामों में बेचते हैं, तब उसके दाम बढ़ भी जाते हैं, मगर ये रियर केसेज में ही होता है। हाँ, इकपोथिया लहसुन जिसको बोलते हैं, इसके दाम कई बार अच्छे भाव दे जाता है। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो मेरी चैनल एसएन शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पे जाइए, सर्च कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और कमेंट्स लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।